वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लोटस हर्बल का डायमंड फेशियल और इस फेशियल को मैं ट्राई करने वाली हूँ अपनी स्किन पर। सो मैं लोटस हर्बल के डायमंड फेशियल को अपने अपने ऊपर ट्राई करने वाली हूँ और का जो रिजल्ट मिलेगा मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने इस फेशियल का रिव्यू उस पहले वाली वीडियो में कर दिया है और आज की जो मेरी ये वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोटस हर्बल का सेल्फ फेशियल करके दिखाने वाली हूँ। स्किन कितनी ग्लो करती है, कैसा है ये फेशियल, हमें लेना चाहिए नहीं, जो भी इसके रिजल्ट निकल के आएंगे वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो चलिए लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज लोटस का डायमंड फेशियल करने वाले हैं और इसके जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम पहले फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वांटिटी वगैरह दिखा देती हूँ और आप इस तरह से अपने हाथ में निकाल लेना है और मसाज देना हमें स्टार्ट करना है। क्लिंजर की मसाज का टाइम हमें 3 से 4 मिनट ही रखना है। सो 3 से 4 मिनट हमें सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे मसाज करनी है, प्लस हमें गर्दन भी लेनी है। तो गर्दन और फेस पे हमें अच्छे से मसाज कर लेनी है। क्लिंजर के अंदर हमारी स्किन से इम्प्योरिटी जो भी होती है वो निकल जाती है और साथ में जो मॉइस्चर का जो बैलेंस है वो भी ठीक रहता है। तो अच्छे से हमें पूरे फेस और गर्दन पे इसकी मसाज ले लेनी है। मसाज कंप्लीट होने के बाद हमें गीले टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लेना है। स्टेप कंप्लीट होने के बाद लेते हैं डायमंड का स्क्रब, ये सेकंड स्टेप है। तो जरूरत पड़े तो आप इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें वाटर भी यूज ले सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से हमें दोनों स्क्रब को फैला लेना है कुछ इस तरह से। ध्यान दें कि ज्यादा हमें फेस पे इसका प्रेशर नहीं देना क्योंकि इसमें जो स्किन छिलने का डर होता है, तो इसीलिए आप हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। फेस पर स्क्रब की मसाज भी हमें पूरे फेस पर देनी है। जिन्हें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है आप इस तरह से नोज पर स्क्रब की मसाज करें, पर जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। इस टाइप में आप ये ले सकते हैं, नोज की क्राउन एरिया को क्लीन करता है। ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आप नोज की मसाज कीजिए, आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स फेशियल के अंदर ही रिमूव हो जाएंगे। स्क्रब की मसाज का टाइम हमें 3 से 4 मिनट रखना है और पूरे फेस पर गर्दन भी हमें साथ में प्लस कर लेनी है। हमारी डायमंड न्यूरिशिंग क्रीम ले लेना है और साथ में हमें इसमें ऐड कर लेना है वाटर, उसके बाद हमें मसाज देना स्टार्ट करना है। क्रीम के मसाज का टाइम हमें 8 से 10 मिनट रखना है और पूरे फेस नेक को अच्छे से मसाज कर लेना है एक सर्कुलर मोशन के साथ। और क्रीम की मसाज से स्किन अच्छे से टाइटिंग होती है क्योंकि इस क्रीम के अंदर है विटामिन ऑयल और डायमंड एश। 3 फिंगरों की हेल्प से हमें फॉरहेड की मसाज देनी है। मोशन में हमें पूरे फेस पर मसाज देना है। ऑयल जो स्किन को अच्छे से टाइटिंग करती है। क्रीम की मसाज 8 से 10 मिनट का टाइम है, तो 8 से 10 मिनट हमें फेस पर एक सर्कुलर मोशन के साथ सभी स्टेपों को फॉलो करते हुए मसाज कर लेनी है। और आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हाथ रूखे हो रहे हैं, यानी कि क्रीम की मसाज करते करते हाथ रूखे हो जाते हैं, वहाँ पर आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, तो मैं आप बार बार भी पानी का ही नाम आपको बता रही हूँ कि 2 से 3 बूंद मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं फेस पर मसाज देना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रेशर पॉइंट का आपको विशेष ध्यान देना होगा। प्रेशर पॉइंट को आप दबाते हुए मसाज कीजिए तो आपका फेशियल का ग्लो और भी आपको अच्छा मिलेगा। तो सभी आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर जो मैं आइज़ की जो मसाज कर रही हूँ एक सर्कुलर मोशन में, तो आपको ये सर्कुलर मोशन पूरी आपको स्टेप फेशियल स्टेप का में दोहराना है। और ये वाली स्टेप आप देख सकते हैं, और जब चिक्की आपको मसाज करनी हो तो आप नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए स्किन को मसाज कीजिए। और सभी पार्ट आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज देने हैं और स्किन के
और इस ये जो हम क्रीम लगा रहे हैं इसके अंदर विटामिन है जो कि हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा मसाज के थ्रू। और कई बार क्या होता है लिप के दोनों तरफ डार्क पार्ट होते हैं, तो आप उस इस तरह लिप के दोनों तरफ मसाज करेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम आप ज़्यादा दे सकते हैं, इस तरह आप मसाज करेंगे तो आपका जो डार्क एरिया है वो वहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो गाइस ये टॉवल के हेल्प से फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। डायमंड फेशियल की ये फोर्थ स्टेप है जो मैं लेने वाली हूँ। सो गाइस मुझे तो मेरे फेस पे पहले से काफी ग्रो लग रहा है, अभी तो स्टेप्स बाकी है, तो चलिए फोर्थ स्टेप मैं ट्राई करती हूँ। कर इस तरह हथेली पर ले लेना है और अच्छे से इसे भी हथेली पर फैला लेती हूँ, उसके बाद में मसाज करना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स डायमंड जेल की खुशबू बहुत ही प्यारी है और ये इस जेल की जो मसाज है हमें 4 से 5 मिनट अपने फेस पर लेनी है। और इसके अंदर है विटामिन ई जो कि स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब होकर स्किन को बनाने वाला है हेल्दी और शाइनिंग, और फिर साथ ही स्किन को एक प्यारा सा ग्लो देने वाला है। तो इस तरह से हम 4 से 5 मिनट एक जेल की मसाज कंप्लीट होने के बाद हमें गीले टॉवल से फिर से फेस को वाइप कर लेना है। टॉवल से जितनी बार भी अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ तो मैं इसे हर बार मैं इसे धो के ही क्लीन कर रही हूँ, तो आपको याद रहे कि आपको ही धो के क्लीन करना है। 5 स्टेप में फेस पैक की बारी, तो अब बचा हुआ हमारे पास फेस पैक, तो मैंने 4 स्टेप जो अपने फेस पे ली। 4 स्टेप में आपको कुछ फर्क लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो फर्क लग रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए हमें लगा लेना है। ध्यान रहे ये हमें मीडियम लेयर के साथ ही हमें इसे पूरे फेस पे लगा लेना है। सूखने के बाद फेस पैक को मैं पहले क्लीन करूंगी गीले टॉवल से और उसके बाद मैं उसे अच्छे से पानी से वॉश करके आऊंगी। अब बात करते हैं लोटस डायमंड के ग्लो की। तो आप देख सकते हैं इस फेशियल के सभी स्टेप्स मैंने ट्राई की थी अपने फेस पे और जो स्टार्टिंग में ऐसे मेरे फेस पे काफी ग्लो आया है, और जैसे ही मैंने अपने फेस को वॉश किया तो मेरी स्किन हल्की से ड्राई होने लगी। वहां पर मैंने आमंड ऑयल अपने फेस पे लगाया हुआ है। आप बता देती हूँ आप कोई भी फेशियल स्टार्टिंग में ट्राई करते हैं तो करंट में आपको ग्लो नहीं मिलता है, आफ्टर 2-3 डेज बाद आपको फेशियल का असली ग्लो पता चलता है। ब्राइडल शादी के 3 दिन पहले फेशियल क्यों लेती है, क्योंकि 3 दिन पहले वो फेशियल लेने के बाद ग्लो उसे अच्छा मिले। तो गाइस डायमंड का फेशियल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्किन पर लेने के बाद स्किन काफी सॉफ्ट और ग्लो करने लगी है। और रियल में गाइस मैंने इस फेशियल को फर्स्ट बार ट्राई किया है, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी भी अगर शादी होने वाली है या आपकी सगाई होने वाली, आपको करंट ग्लो चाहिए तो आप इस लोटस डायमंड फेशियल को ट्राई कर सकते हैं। फेशियल किट का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये फेशियल किट बहुत ही अच्छी लगी, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये अपने फेस पर काफी अच्छी व्हाइटिंग फील हो रही है, फेस पर ग्लो दिख रहा है और फेस काफी सॉफ्ट हो चुका है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन घंटी दबा के ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर